अच्छा वो भी कंप्लीट है, इसको भी आप 2 महीने में खत्म कर सकते हैं। जैसे ही फॉर्म आता है सर, अंदर ही अंदर फ्लैट के अंदर ही एक्चुअली व्हेन यू इनवाइट देन एंड्स एवरीथिंग इन द साइड। व्हेन आर यू कमिंग बाय? ये क्या ले रहा है? सर बात करें, आज जो एक फिल्म है प्रेजेंट कर रहे हैं, क्या है, क्या फिल्म का नाम है, टाइटल है? कोया कोया कॉलिंग। कोया कोया एक अफ्रीकन सिंगर है जिसका बहुत नाम है और हिंदुस्तान आता है, उसके प्रोग्राम होते हैं, और एक लड़की है जो उसकी बहुत फ़ैन है, बस उसकी ज़िंदगी की एक ही तमन्ना है कि वो कोया कोया से मिल ले। तो किसी तरह अरेंजमेंट्स करके वो कोया कोया को कॉन्टेक्ट करती है, कोया कोया उसको अपने रूम में बुलाता है एक डेट पे, सब मिलते हैं, खाते पीते हैं, और उसके बाद कोया कोया का स्वरूप जो है बिल्कुल बदलता है, और वही इस फिल्म की ट्विस्ट है कि वहाँ से जो स्टोरी चेंज होती है कि एक अलग सी हैवानियत वहाँ नज़र आने लगती है, एक अलग टाइप की फिल्म है। पहली फिल्म है इंडियन जिसमें एक अफ्रीकन लड़का जो है वो हीरो है फिल्म का, और उसकी हीरोइन बड़ी खूबसूरत जिया चोपड़ा फिल्म में है। इस फिल्म को मैं प्रेजेंट कर रहा हूँ तो मुझे उम्मीद है कि एक अलग टाइप की स्टोरी है, लोग उसको सुनेंगे और उसका बहुत मज़ा लेंगे और फिल्म को देख के खुश होंगे। अनूप जी अगर प्रेजेंट कर रहे हैं तो गाने और गज़ल का मिश्रण ना हो ऐसा हो नहीं सकता? नहीं, मुझे नहीं लगता कि इसमें गज़ल होगी, लेकिन इसमें सॉफ्ट रोमांटिक सॉन्ग ज़रूर होगा जो हम हर एक फिल्म में एकाएक डालते ही हैं। अभी हमने हम बाजा बजा देंगे में मैंने और पंकज उदास ने एक बड़ा खूबसूरत गाना गाया जो उसमें प्रेजेंट किया, तो इसमें भी कुछ ऐसे ही करेंगे कि बहुत रोमांटिक कोई गाना होगा। सर और बात करें और क्या क्या प्रोजेक्ट चल रहे हैं आप? अब मेरी फिल्म 24 तारीख को रिलीज़ है, 24 अप्रैल को सत्य साईं बाबा, उसके बाद जुलाई में रिलीज़ हो जाएगी हैप्पी सिंह, उसके बाद ब्लैक बर्थडे वो तैयार हो रही है, तो मुझे लगता है कि साल में आप 2-3 फिल्में हमारी देखेंगे। ऐसे प्रोड्यूसर, एक सिंगर से प्रोड्यूसर का सफ़र की बात करें क्या? बहुत अच्छा सफ़र है क्योंकि हम तो फिल्म में गाना गाते रहे हैं, म्यूज़िक देते रहे हैं, तो फिल्म से संबंध हमारा बड़ा पुराना है, तो प्रोड्यूसर भी हम बहुत पहले से हैं, पिछले 30 साल से हम फिल्में बना रहे हैं, तो अब ये थोड़ी स्पीड उसकी तेज़ हो गई और मुझे लगता है कि अच्छा रहेगा। थैंक यू सर। थैंक्स। आपका नाम? मेरा नाम जिया चोपड़ा है। सर आपका? मेरा नाम है पॉलसन थॉमस। सर फिल्म की बात करें, किस तरह की फिल्म है, क्या टाइटल है फिल्म का? इट्स बेसिकली अ थ्रिलर मूवी एंड आई एम प्लेइंग अ कैरेक्टर कॉल लाइक यू नो अ गर्ल नेक्स्ट डोर हूज लाइक वेरी बबली एंड स्वीट एंड ऑल। शी हैव जस्ट द वन ड्रीम जस्ट टू मीट दिस रॉक स्टार। शी फॉल इन लव विद द रॉक स्टार एंड ऑल स्टफ। उसकी बहुत बड़ी फ़ैन है, उनका ड्रीम है कि उससे मिलना एक ही बार। सो या उसकी विश पूरी हो जाती है, बट शी गोज़ देयर, बट व्हेन
this guy suddenly changes his and all. So yeah, that's it. Rest he will tell you. क्या कहना चाहेंगे सर मूवी के बारे में? ये है एक्चुअली एक साइको थ्रिलर मूवी है. सो इसमें एक म्यूजिशियन का स्टोरी बता रहा है कि जैसे कि उनको कितना प्रॉब्लम होता है और वो कैसे उसको मिसयूज कर लेता है. और इसके अंदर एक आर्टिस्ट एक रॉकस्टार जो होता है उसमें क्या क्या उनका लाइफ में एक्चुअली क्या क्या होता है और उसके साथ साथ अगर वो और थोड़ा सा साइको हो गया तो और क्या हो जाएगा, वो भी उनके फैन के साथ फैंस के साथ. सो वही बेसिकली फैंस को बुला लेता है घर पे, फिर उसके बाद जो भी होता है वो आप लोग थोड़ा सा वेट कर लीजिए, हम हमारे तरफ से बहुत अच्छे से निभाने के लिए बहुत कोशिश करेंगे. बाकी आप डांस से जुड़े हैं, डीआईडी से जुड़े हैं, अगर बात करें इसमें क्या डांस स्टेप देखने को मिलेंगे आपके? हाँ जी बिल्कुल, हम लोग ने एक्चुअली ये म्यूजिशियन के साथ एक्चुअली ये म्यूजिशियंस जो रॉक स्टार्स जो होते हैं इंटरनेशनल, वो लोग जितने भी लोग से लोग हैं वो लोग अच्छे डांसर्स भी होते हैं. जैसे कि वो लोग म्यूजिशियंस होते हैं जितने म्यूजिक बनाते हैं उसके साथ साथ अच्छे अच्छे म्यूजिक वीडियोज भी वो लोग साथ साथ अच्छे फुल डांस के साथ कर लेते हैं. तो हम स्टार कास्ट के बारे में, ये स्टार कास्ट के बारे में कोई स्टार नहीं है अभी फ़िलहाल तो इसमें. अभी जिया जी है इसमें मेन जो स्टार है, तो बाकी सब कुछ अभी आप लोग ही हम लोगों को स्टार बनाएंगे वो देख लें. ए बी सी डी की तर्ज पे तो नहीं है फिल्म, अगर ए बी सी डी की बात करें कहने की आप डांस से जुड़े हैं? बिल्कुल नहीं. ए बी सी डी वॉज माई फर्स्ट मूवी, फर्स्ट फिल्म, इंडियाज फर्स्ट डांसिंग 3D मूवी. एंड उससे तो रिलेटेड कुछ भी नहीं है, बिल्कुल नहीं है. वो तो डांसिंग मूवी है, डांस से रिलेटेड है मूवी. एंड ये मूवी हमारा मूवी बेसिकली म्यूजिक के ऊपर बेसिक है. आप इस फिल्म से डेब्यू कर रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? I'm very excited with this movie and all stuff. So let's see क्या होता है. क्या उम्मीद है इस फिल्म से? उम्मीदें तो बहुत सारी हैं. आई एम गिविंग माई 100%. आई हैव डन एड्स एंड ऑल. But let's see. Thank you. Thank you so much. Thank you. Okay. My name is Rabinder Parashar. मैं ये फिल्म डायरेक्ट करने जा रहा हूँ जिसका नाम है कोया कोया कॉलिंग. ये एक साइकोलॉजिकल थ्रिलर है, साइको थ्रिलर, जो कि बॉलीवुड की पहली फिल्म होगी जिसमें एक नीग्रो, एक नाइजीरियन इस फिल्म का हीरो है और वो टाइटल रोल प्ले कर रहा है जिसका नाम है कोया कोया. तो कोया कोया बेसिकली इज़ ए रॉक स्टार जो कि अफ्रीका में उसका जन्म हुआ, वहीं पर वो बड़ा हुआ और इस वक्त लेकिन वो बॉलीवुड में है और काफ़ी नाम कमा चुका है बॉलीवुड में. और इसकी एक हॉबी है, इसकी फीमेल फैन फॉलोइंग बहुत ज़्यादा है. तो आज कोया कोया का बर्थडे है और बर्थडे के दिन सबसे पहले इसकी जो सबसे नंबर वन फ़ैन है रिया टंडन, वो दिल्ली में रहती है, इसको सबसे पहले विश करती है वो. और कोया कोया इसी फ़ैन को सिलेक्ट करता है और रात को 1 बजे उसको फ़ोन करके बोलता है कि कल सुबह तुम मेरे पास बॉम्बे मेरे बंगलों में आ जाओ और हम दोनों की एक डेट है और हम कल मिलते हैं. और रिया भी फिर अपने माँ बाप से पूरा झगड़ा करके किसी भी तरह से फ्लाइट पकड़ के सुबह मुंबई पहुंच जाती है कोया कोया बंगलों में. अब दोनों की बंगले में दोनों अकेले हैं, दोनों की अच्छी खासी डेट चल रही होती है, रोमांस चल रहा होता है और एक पॉइंट के ऊपर कुछ ऐसा इंसिडेंट होता है कि जो कोया कोया है वो साइको हो जाता है. अब उसके बाद क्या वो लड़की इस बंगले से बाहर जिंदा बच के निकल पाती है या नहीं, ये इस फिल्म की कहानी है. सर म्यूज़िक की बात की जाए तो म्यूज़िक कितना पावरफुल है, इस तरह से आजकल हिंदी फिल्मों में म्यूज़िक बहुत अहम हिस्सा रहता है फिल्मों को हिट कराने के लिए, तो किस तरह की म्यूज़िक है इसमें? ओके. क्योंकि ये फिल्म एक रॉक स्टार की है, एक म्यूज़िक डायरेक्टर की है, तो म्यूज़िक इसमें एक कैरेक्टर है. तो डेफिनेटली जो म्यूज़िक है मैं आपको गारंटी दे सकता हूँ कि इसका जो म्यूज़िक है बहुत ही सोच समझ के फिल्म की फीलिंग के हिसाब से बनाया गया है और पब्लिक जब इसको सुनेगी तो दे कैन रिलेट टू द फिल्म कि ये फिल्म का ही एक कैरेक्टर है. तो म्यूज़िक और बैकग्राउंड म्यूज़िक यानी सॉन्ग्स और बैकग्राउंड स्कोर इस फिल्म का एक कैरेक्टर है. सर स्टार कास्ट की बात की जाए तो कितने कौन
से स्टार कास्ट होंगे, कुछ नए भी चेहरे नज़र आ रहे हैं, क्या मार्केट के भी कुछ होंगे? जी मैं आपको बताता हूँ, बेसिकली ऐसा है कि जो कोया कोया प्ले कर रहे हैं रोल, डेफिनेटली वो ऑडियंस के लिए डांस इंडिया डांस में वो पार्टिसिपेंट भी रह चुके हैं, लेकिन बॉलीवुड के लिए ये उनकी डेब्यू फिल्म है और वो एक अफ्रीकन गाय, जैसे मैंने बोला अफ्रीकन रॉक स्टार कोया कोया के नाम से वो रोल प्ले कर रहे हैं, मिस्टर पॉलसन थॉमस। और हीरोइन जो है उनका नाम है रिया टंडन, उनका नाम है जिया चोपड़ा और करेक्टर का नाम है रिया टंडन, जो दिल्ली की लड़की नेक्स्ट गर्ल नेक्स्ट डोर दिखाई गई है, तो वो भी उनकी भी बॉलीवुड की ये डेब्यू फिल्म है, पहली फिल्म है। और इसके अलावा हमारे साथ में गेस्ट अपीयरेंस में काफ़ी अच्छे नाम हैं, पंकज अनूप जलोटा जी हैं, पंकज उदास हैं, इस तरह से कुछ सेलिब्रिटीज़ और भी हैं जो आगे हमारे साथ में जुड़ेंगी, क्योंकि अभी इस फिल्म का एक शेड्यूल हमने पूरा किया है और दूसरा शेड्यूल हमारा मई एंड तक शुरू हो जाएगा और उसके बाद में फिल्म कंप्लीट हो जाएगी और दिवाली के ऊपर हम इस फिल्म को रिलीज़ कर रहे हैं। फिल्म के लोकेशन की बात करें, क्या लोकेशन होगा और व्यूवर्स को क्या कहना चाहेंगे? हमने दिल्ली वाला पोर्शन शूट कर लिया है जुहू पे और उसके बाद में मुंबई के कुछ सड़कों पे, मुंबई सिटी में हमने काफ़ी शूट कर लिया। एज़ फार एज़ द मेन बंगलो इज़ कंसर्न्ड, वो हमारा मड आइलैंड में हमने फिक्स किया है, तो उसी में हम बाकी का शूट प्लान करेंगे और मुंबई के कुछ और हिस्सों में। व्यूअर्स को क्या कहना चाहेंगे, ऑडियंस को क्या कहना चाहेंगे? ऑडियंस को मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप लोग तैयार रहिए इस दिवाली के ऊपर, कोया कोया कॉलिंग बस फिल्म का नाम आप याद रखें, बाकी मैं एज ए डायरेक्टर इसकी गारंटी आपको ये दे सकता हूँ कि ये फिल्म जब आप देखने अंदर एंटर करोगे, 1 घंटा 50 मिनट की इसकी लेंथ है, आप अपनी सीट्स के ऊपर बिल्कुल अलर्ट होकर बैठे रहेंगे कि नेक्स्ट होने क्या वाला है। और इनकी परफॉर्मेंसेस और जो पिक्चर में रोमांस से होते हुए एक साइको का जो सफ़र है, एक जर्नी है, वो ऑडियंस को बांध के रखेगी और आपको कुछ अलग देखने का एक मौका मिलेगा। थैंक यू। इस फिल्म का नाम आप इस तरह से याद रख सकते हैं, दिस इज़ कोया कोया कॉलिंग, और कॉलिंग में भी हमने के से लिया है ताकि पब्लिक के लिए K3 याद रहे। तो इस दिवाली के ऊपर K3 हम लेके आपके पास पहुंच रहे हैं, दैट इज़ कोया कोया कॉलिंग, सो बी रेडी फॉर दिस फिल्म। थैंक यू। अरे